झारखंड में पब्लिक के अरमानों पर पानी फेरा जा रहा है। एबी न्यूज अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। यह खुलासा एक वायरल ऑडियो के बिना पर है, जिसमें बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और सीएम हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा कैसे टेंडर को मैनेज करने का दबाव डाल रहे हैं। यह दबाव शंभू भगत नाम के ठेकेदार पर डाला जा रहा है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद अब झारखंड के साहिबगंज जिले में एक टेंडर मैनेजमेंट के वायरल ऑडियो विवाद में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि रघुवर सरकार को हटाने के बाद बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने हेमंत सोरेन की कमान दी थी, लेकिन इस नवजात सरकार के मंत्री ही जब टेंडर मैनेज करने में लग जाएंगे तो सूबे का विकास कैसे होगा, काम की गुणवत्ता कैसे बरकरार रहेगी और सड़क और सरकार के कामों की क्या स्थिति होगी। कोरोना के कारण देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और ऐसे में झारखंड सरकार के मंत्री और संवेदक अपना खजाना भरने में लगे हैं, तो फिर झारखंड का विकास कैसे होगा। इस पूरे मामले पर सीएम हेमंत सोरेन चुप्पी क्यों साधे हैं, क्या वो नहीं चाहते हैं कि सूबे का विकास हो, क्या झारखंड में 27 विभाग सीएम के पास इसलिए है कि उनको अपने सहयोगी मंत्री के क्रियाकलाप पर भरोसा नहीं है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। हेलो हेलो, हम सभी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? हम देखे कि आपका फोन, हम दुमका निकल गए थे, घर में छूट गया था फोन, लौटे तो देखे बहुत आदमी का मिस कॉल में तब आए, तो बोले भाई बात क्या, बरारुआ का कुछ लोग आए हुआ था, फोन लगाए थे आपको, तो मालूम है मीटिंग में थे, एक बार बाथरूम गए थे आपसे कल बात करने के लिए, कल तो वही रांची में थे। हाँ, तो तनवीर जी से भी बात हुआ था, तो बताया जी नहीं हमारा आदमी कोई है नहीं, हम सोचे आपसे भी बात कर ले। हाँ, तो बरार वाला का छोड़ दीजिए, जब लोग चाहता है तो क्या कीजिएगा, सफर वाला का तंग करता है। मामा जी एक बात बताए, अरे पिछले बार में वो तपनवा जो है, तपनवा के कारण में 40 लाख रुपए नुकसान भी जुलाई के पूरा बरसात में हमको मिला 9 महीने में। और छोड़िए ना, आप तो सब जगह लिए, पाकुड़ में 2 जगह चला रहे हैं, राजमहल में आप ही कर रहे हैं, बरसवा छोड़ने से क्या होगा। आज माओ ये बात बोलते हैं, अरे मामा भाजना का रिश्ता है वो कायम रहे, मामा इसलिए बता रहे हैं, हम वो कुछ नहीं, राजमहल वाला तो आपका जो एसडीओ है ना जबरदस्ती बुला के अच्छा है, राजमहल वाला बोलिए किसी को देने के लिए हम दे देते हैं, राजमहल मेरे क्षेत्र में, हम क्या बोलेंगे, जल्दी पंडा जी भी बैठा हुआ है, बात कर लीजिए। शंभू जी, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, डिसीजन हम तो बोले थे मंत्री जी से जाकर होगा, डिसीजन सर सुमति से है, छोड़ दीजिए लोकल करेगा। भैया 40 लाख रूपए नुकसान दिए हैं भैया पिछले बार, देखिए अगर लेने के बाद भी तो फिर आप उसको स्वतंत्र रूप से चलाने नहीं देंगे, अब हम भी लगते भाषा में बताते हैं, फिर तब तो हम भी उसी भाषा में बतियाएंगे, ले लीजिएगा, चलाने नहीं देंगे, सिस्टम सब मेरे पास है। अच्छा, दिक्कत कर देंगे तो भैया, भैया नहीं नहीं नहीं, तब आप नक्सलवाद वाला स्टाइल से बात कर रहे हैं, तो मैं तैयार हूँ लेने के लिए, और आप नहीं चलाने दीजिएगा, देखे गवर्नमेंट का रेवेन्यू का प्रो की देखते हैं, हम देखते हैं नक्सलवाद वाला स्टाइल से आपने बात किया है, कि जो छोड़ दो इलाका, छोड़ दो जंगल, छोड़ दो रोड, छोड़ दो ये खबरदार, इस ढंग की लैंग्वेज का किरदार आप प्रतिनिधि है, इस ढंग की लैंग्वेज की बात नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे, इस ढंग की लैंग्वेज बहुत गलत आपने व्यवहार किया पंकज जी, बहुत गलत व्यवहार किया है, ये नक्सलवाद वाला स्टाइल व्यवहार आपको मंत्री जी नहीं, आप पंकज जी, आप पंकज जी अपने ताकत का उपयोग लगा दीजिए, मैं सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ, और अगर आपके आदमी में क्लेवर है तो मैं कोर्ट में आपको भी टांग कर ले जाऊंगा, आइए रोक दीजिएगा, आपने जो चैलेंज किया मैंने आपके चैलेंज को स्वीकार किया, आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बने, इसके मतलब क्या नक्सलवाद बना दीजिएगा, हमने गवर्नमेंट का रेवेन्यू देने के लिए और मैंने आपके बात को रिकॉर्ड में लिए, आपके बात को रिकॉर्ड में लिए, और मैं आपका हाई कोर्ट तक रख दूंगा कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को अपने हरास करने के लिए ये दंगा फेंकते ही देते हैं। सुनिए, मेरे को नहीं मालूम है, आपने बोला चैलेंज वर्ड, मैं सरकार और आपको उपयोग करते हैं, सुनिए ना, आप नहीं सुनेंगे, आप आपका रोकिएगा, देखेंगे आपके दिखा नेता मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है, और आप इस ढंग का चैलेंज करते हैं आम जनता को सरकार के राजस्व के हराम के लिए, या आप ही बताइए सरकार के राजस्व का बात करते हैं, नहीं आपने उपयोग कैसे कर दिया बंदर जी, ताजपुर के बारे में नहीं मालूम है, जमीनी स्तर जमीनी स्तर मेरे बारे में नहीं जानकारी है, आज आप मुख्यमंत्री प्रतिनिधि
मेरी जमीन तेरे पास तो नहीं मालूम है। सुनिए बात सुनिए, कल भी आपकी लैंग्वेज को मैंने स्वागत किया था, आज भी आप इस ढंग की लैंग्वेज बोले नहीं चल रहे थे, रोक देंगे गवर्नमेंट को, रेवेन्यू को रोक दीजिएगा, इतनी बड़ी आपकी ताकत। अरे अरे गवर्नमेंट में आज है, हाईकोर्ट आपके हाथ में नहीं है, मैं भी पार्टी चाहता हूँ, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, अभी आप चुनाव नहीं लड़े होंगे, आप प्रतिनिधि बने होंगे। चलिए चलिए शंभू जी ठीक है, आप हाईकोर्ट दिखाइएगा, चलिए चलिए मैं तैयार हूँ आपके साथ, चलिए तैयार हूँ, अब तैयार हूँ। इस ऑडियो के सामने आने से हेमंत सरकार की किरकिरी हो रही है, बीजेपी अब निशाना साध रही है और इस्तीफे की मांग कर डाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकारी तंत्र ही अगर टेंडर मैनेज करने में लगा है तो सूबे का विकास कैसे होगा? राज्य की जनता जिस लिए महागठबंधन को चुना था, क्या वह महागठबंधन गलत दिशा में जा रहा है? वही आलमगीर आलम के वायरल ऑडियो पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि वो मामला मामा भगीना का है, मतलब साफ है कि कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ रही है। जनता और राज्य के विकास को लेकर कांग्रेस के मंत्री गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री की चुप्पी भी एक सवालिया निशान खड़ी करती है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और अपने प्रतिनिधि पर कार्यवाही करेंगे या फिर मामले की लिपापोती हो जाएगी। तो इसी के साथ अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे बी न्यूज के साथ, नमस्कार।